बाप और बेटे की जोड़ी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ गेंदबाजों ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की जिन्होंने काम करके दिखाया है, जिन्होंने फादर सन डुओ को टेस्ट क्रिकेट में पवेलियन वापस भेजा है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन कल ही इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अश्विन ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उन 5 नामों के बारे में जिन्होंने कारनामा करके दिखाया है। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं इयान बोथम, जिन्होंने लैंस केन्स और क्रिस करियंस को आउट किया है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम से खेलते थे। अगर अगले खिलाड़ी की बात करें तो फिर आते हैं पाकिस्तान के वसीम अकरम, जिन्होंने लैंस केन्स और क्रिस करियंस को ही आउट किया था। फिर आते हैं कंगारुओं के सबसे तड़कते भड़कते गेंदबाज यानी मिचेल स्टार्क, जिन्होंने शिव नारायण चंद्रपाल और टेक नारायण चंद्रपाल को ही आउट किया है और कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है मिचेल स्टार्क ने हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। अगले आते हैं आपके साइमन हार्मर, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे और इन्होंने भी शिव नारायण चंद्रपाल और टेक नारायण चंद्रपाल को ही आउट किया है। और अगर इस लिस्ट के आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो वहां आते हैं आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन, और चंद्रपॉल की जोड़ी हर गेंदबाज को पसंद है क्योंकि इन्होंने भी शिव नारायण चंद्रपाल और टेक नारायण चंद्रपाल को ही आउट किया है। और ये कारनामा कल के दिन ही हुआ है जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है, और पहले दिन पे ही रविचंद्रन अश्विन ने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्होंने अपनी 700 विकेट भी पूरी कर ली इंटरनेशनल क्रिकेट में और 5 विकेटें चटकाई है पहली पारी में। तो ये तो थे वो 5 नाम जिन्होंने मैजिकल स्पेल्स डाले हैं और अपनी टीम के लिए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि इनमें से आपका सबसे फेवरेट बॉलर कौन सा है। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।